हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एसएसपी कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जिसकी आवेदन बहुत ही जल्द शुरू कर दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एसएसबी न्यू रिक्रूटमेंट 2024 एज लिमिट की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मिनिमम एज लिमिट की बात करें, तो हमारा मिनिमम एज लिमिट 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल तक रखी गई है। यानी 18 साल से लेकर 30 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें, तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम एससी एसटी कैंडिडेट्स के बात करें, तो 5 साल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर हम एसएसबी न्यू रिक्रूटमेंट 2024 एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो सबसे पहले अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास की है, तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एसएसबी न्यू रिक्रूटमेंट 2024 डिटेल्स चेक करें, तो सबसे पहले अगर हम नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें, तो हमारा डिपार्टमेंट नेम सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की तरफ से यह वैकेंसी निकाली जाएगी। अगर हम वैकेंसीज यानी पोस्ट नेम की बात करें, तो आपको पोस्ट नेम कांस्टेबल ट्रेडमैन एससी यानी हेड कांस्टेबल एएसआई एसआई के पदों के लिए भर्ती देखने को मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3200 प्लस भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, तो इसकी नोटिफिकेशन आपको अगस्त या सितंबर के महीने में देखने को मिल जाएगी। अगर हम ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट की बात करें, तो हमारा ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट सितंबर या अक्टूबर के महीने में देखने को मिल जाएगी। अगर आप ऑफिशियल साइट पर विजिट करना चाहते हैं, तो आप www.ssb.government.in पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अगर हम एसएसबी न्यू रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी एप्लीकेशन फीस की बात करें, तो सबसे पहले हम जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें, तो पोस्ट वाइज 100 रुपये 200 रुपये पोस्ट वाइज रखी जाएगी। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट्स के लिए 0 एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 0 यानी एससी एसटी पीएच और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 0 फीस रखी गई है। अगर हम पेमेंट मोड की बात करें, तो हमारा पेमेंट मोड ऑनलाइन मोड रखा जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से आप अपना फीस पे कर पाएंगे। अगर हम एसएसबी न्यू रिक्रूटमेंट 2024 इंपॉर्टेंट लिंक्स की बात करें, तो सबसे पहले फॉर्म ऑनलाइन के लिए आप इस वाले लिंक पे विजिट करके आप यहां से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, जब इसकी लिंक एक्टिव कर दी जाएगी। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, तो नोटिफिकेशन चेक करने के लिए आप इस वाले लिंक पे विजिट करके आप यहां से नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एओसी फायरमैन एंड ट्रेडमैन न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जिसकी आवेदन बहुत ही जल्द शुरू कर दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एओसी न्यू रिक्रूटमेंट 2024 एज लिमिट क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मिनिमम एज लिमिट की बात करें, तो हमारा मिनिमम एज लिमिट 18 साल से लेकर मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल तक रखी जाएगी। यानी 18 साल से लेकर 25 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें, तो आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम एससी एसटी कैंडिडेट्स की बात करें, तो 5 साल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर हम एओसी न्यू रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल्स चेक करें, तो सबसे पहले अगर हम जॉब टाइप की बात करें, तो हमारा जॉब टाइप गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। अगर हम नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी ऑर्गेनाइजेशन नेम की,
तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेम आर्मी ऑर्डर्स क्रॉप्स यानी AOC की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें यानी पोस्ट नेम की, तो फायरमैन एंड ट्रेडमैन के लिए ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 17,793 पदों के लिए ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो हमारा नोटिफिकेशन कमिंग सून रखा गया है, यानी बहुत ही जल्द आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। कैटेगरी की बात करें तो रिक्रूटमेंट पे रखी गई है। अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो हमारा जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रखा गया है, यानी इंडिया के सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम AOC न्यू रिक्रूटमेंट 2024 सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले पार्ट में हमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगी। दूसरे पार्ट्स में हमें नमरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगी। तीसरे पार्ट्स की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगी। चौथे पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए देखने को मिल जाएगी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम AOC टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 2 आवर्स 20 मिनट्स के लिए टाइम देखने को मिल जाएगी। अगर हम AOC न्यू रिक्रूटमेंट 2024 क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारा क्वालिफिकेशन सबसे पहले अगर हम ट्रेडमैन मेट की बात करें तो ट्रेडमैन मेट के लिए अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास की है तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम फायरमैन की बात करें तो फायरमैन के पोस्ट के लिए भी अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10वीं पास की है तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम AOC न्यू रिक्रूटमेंट 2024 इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये वैकेंसी आपको, अगर हम स्टार्टिंग डेट की बात करें तो आपको इसकी स्टार्टिंग डेट अगस्त के महीने में देखने को मिल जाएगी। अगर हम क्लोजिंग डेट की बात करें यानी लास्ट डेट टू अप्लाई की, तो लास्ट डेट टू अप्लाई आपको अगस्त के लास्ट में देखने को मिल जाएगी। अगर हम AOC न्यू रिक्रूटमेंट 2024 इम्पोर्टेंट लिंक्स की बात करें तो सबसे पहले अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप यहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे। अगर आप ऑफिशियल साइट पर विजिट करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप यहां से ऑफिशियल साइट पर जा पाएंगे। अगर आप भी आर्मी ऑर्डर्स क्रॉप्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। और भी इसकी कोई नई अपडेट आती है तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।